क्लब में प्रेस क्लब कोटा में आपसे मुखातिब। आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम नकात दर्ज हैं। नंबर एक, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इब्तदाई आईन मंशूर के दावे, पार्टी में मखसूस इजारादारी, गैर जमूरी तरीके तौर तरीके, गैर जमूरी रवायात और गैर जमूरी फैसले। नंबर दो, पार्टी कारकुनों और सीनियर साथियों का मुसलसल एहतसाब और उनके साथ आमराना रवैये का तसलसल। नंबर तीन, पार्टी में इंसानी खसूस खवातीन के हकूक की पामाली और हिरासियत के मुसलसल बर्श। मेरे मौजूद भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान की खालिस कबायली और नीम सियासी माशरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों जमातें वजूद रखती हैं जो अपने अपने मंशूर और पॉलिसी के मुताबिक काम करती रहती हैं। इन तमाम जमातों में ऐसे कारकुनों की कमी नहीं जो मुल्क कौम और माशरे की खिदमत का जज्बा लेकर इंतहाई मेहनत और खलूस के साथ इन सियासी जमातों से वाबस्ता हैं। मैं भी दरअसल इन्हीं सियासी कारकुनों में से एक हूँ जिसने तालीमी सिलसिले के बाद समाजी और फलाही शोबे में फालियत के साथ काम करने का सिलसिला शुरू किया और फिर ख्वातीन के लिए इंतहाई मुश्किल सियासत के इस मैदान में कदम रखा। गुज़िश्ता आम इंतखाबात से कबल जब अवाम और अवाम के हकूक के नाम पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया तो मुझे इस जमात में अपने प्यारे सूबे और वतन की खिदमत का एक जज्बा मौजज़न दिखाई दिया। इसीलिए मैंने अपनी हज़ारों ख्वातीन साथियों के साथ ये फैसला किया कि इस पार्टी से वाबस्ता होकर अपने लोगों की बेहतर कानून साजिश से खिदमत कर सकूं। इस पार्टी की इब्तदाई दावे में पार्टी के कायदीन ने हम जैसे हज़ारों कारकुनों के साथ ये वादा किया था कि वो बाकी सियासी जमातों की तरह मौरूसी सियासत, इनफरादी अजारादारी, गैर जमहूरी रवैयों और इकदामात को फ़रोग नहीं देंगे। मगर अफसोस सद अफसोस, पार्टी फालियत के लिए इंतहाई मुश्किलात के बावजूद मेरी और मेरी तमाम ख्वातीन साथियों की घर घर गली गली कूचा कूचा कोशिशें की। 2018 के आम इंतखाबात में कोयटा के हर हलके में ख्वातीन को पार्टी मेंबरशिप और इलेक्शन के लिए वोट इकट्ठा करने के लिए लगातार मेहनत की, जिस पर पार्टी को आवाम ने सूबे में भारी अक्सरियत से सूबे में हुक्मरान जमात बनाकर उम्मीद की किरण दिखाई। लेकिन फिर अफसोस सद अफसोस, वक्त के साथ साथ पार्टी की तंजीमी अमूर की कमज़ोरियाँ वाजा होती गईं, जिस पर शुरू दिन से हमने जमहूरी इकदार के तहत कायदीन को आगाह किया और हर गैर आइनी इकदाम की निशानदेही की, जिसमें चंद चीदा चीदा खामियां ये थी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इब्तदाई आइन व मंशूर के दावे गैर जमहूरी तौर तरीके, गैर जमहूरी रवायात और गैर जमहूरी फैसले। सबसे पहले पार्टी की यूसी, ज़िलाई, डिवीजनल, सूबाई और कौमी सतह की फालियत यानी तमाम विंग्स, फेडरेशंस और अहम अमूर की कमेटियां जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के या 1 साल के अंदर कायम की जा सकती थी उन्हें जानबूझकर आज तक तवीलियत दी गई ताकि मखसूस अफराद पार्टी पर अपनी गिरफ्त और इजारादारी कायम रख सकें। पार्टी आइन के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी को कम अज़ कम एक इजलास सालाना लाजमी बुलाना चाहिए था ताकि काबीना के फैसलों की तौसीक हो सके, लेकिन पार्टी कारकुनान पिछले 3 सालों से इजलास बुलाने के मुंतजर हैं और इस दौरान पार्टी के सदर जनरल सेक्रेटरी ने बहुत सारे गैर आइनी फैसले किए हैं जिनकी तौसीक मुकर्ररा वक्त भी मुतय्यन नहीं की जा सकी है, जो कि पार्टी में इजारादारी की बदकिस्मत मिसाल है। पार्टी में आइनी ऑर्गेनाइज़र होने के बावजूद उन्हें बेख्तियार करके चीफ ऑर्गेनाइज़र का तकरर किया गया जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं थी। इस पर मज़ीद ये कि दो दो पार्टी ऑर्गेनाइज़र को बेतौकीर करके अलहदा से ख़वातीन के लिए खातून ऑर्गेनाइज़र का भी गैर आइनी फ़ैसला लिया गया सदर साहब की तरफ से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकरर के वक्त ना तो इन ऑर्गेनाइज़र को पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के महदूद वक्त का तयन किया गया और ना ही कोई तहरीरी आइनी तरीक़ाकार कवायद व ज़वाबित कोई पाबंदी रखी गई, जिसकी सबसे भयानक शक्ल और गैर आइनी इकदाम एक ऑर्गेनाइज़र जिसका काम बतौर मुनसिफ पार्टी ऑर्गेनाइज करके ज़िले इलेक्शन करवाने थे मौसूफ खुद उम्मीदवार बन बैठे और बिला मुकाबला ज़िले सदर बन के पार्टी के आइन की धज्जियाँ उड़ा दी।
क्योंकि ये पार्टी सदर, जनरल सेक्रेटरी और तीन तीन ऑर्गेनाइजर की मुश्तरका ख्वाहिश थी। और इसी तसलसल में यकीनन खातून ऑर्गेनाइजर इन्हीं गैर आइनी अहकाम के मुताबिक पार्टी खवातीन विंग की बिला मुकाबला सदर बन जाएंगी, जो मौजूदा पार्टी सदर की अवलीन ख्वाहिश है। ये तो भाइयों बिल्कुल उसी तरह हुआ कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन अनाउंस करे और फिर ही खुद ही जो है वो सीटों पर आ जाए। ताजुब और इंतहाई ख़तरे की बात यह है कि पार्टी स्टूडेंट फेडरेशन में एक नौजवान को पार्टी जनरल सेक्रेटरी और दूसरे नौजवान को पार्टी प्रेसिडेंट खुद स्टूडेंट फेडरेशन की सदारत का तकरारनामा जारी करते हैं, जिसका मशहूर केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आज भी मौजूद है। मेरा सवाल पार्टी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से ये है कि ये नौजवान पार्टी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में तो आपके सामने एक दूसरे से लड़ते हुए पाए गए हैं, क्या हमारा कबायली मुआशरा इस तरह की लड़ाई झगड़ों का तहम्मुल हो सकता है? और अगर खुदा ना खास्ता इन नौजवानों में से किसी को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा, तो आप दोनों साहिबान में से कौन इसका जिम्मेदार होगा? मेरे सहाफ़ी भाइयों, इस पार्टी की गैर आइनी फैसलों की एक तवील फहरस्त है, जो किसी और मौके पर पार्टी के दूसरे कारकुन जल्द इंशाल्लाह आपके साथ इसी प्रेस क्लब में शेयर करेंगे। अब चलते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ, पार्टी कारकुनों और सीनियर साथियों का मुसलसल एहतसाल और उनके साथ आमराना रवैये का तसलसल। आप तमाम सहाफ़ी हजरात की खबरें इस बात की गवाह हैं कि पार्टी के अंदर फ़र्द वाहिद के जायज़ अहकाम की गूंज सुनाई देती रहती है, जिसमें हमारे बुजुर्ग MPA, एक नौजवान MPA और एक MNA साहब, जो इस पसमानदा सूबे की पसमानदा तरीन हलकों से मुंतखब होकर आए हैं, ना सिर्फ उनका मुसलसल एहतसाल किया जा रहा है बल्कि उनके लाखों वोटर्स जो खुद बाप पार्टी के वर्कर्स और मेंबर्स हैं उनकी भी तजलील की जा रही है, जो पार्टी में कारकुनों और सीनियर साथियों का मुसलसल एहतसाल है और इनके साथ आमराना रवैये की एक नाकाबले तरदीद मिसाल है। इसमें से हमारे बुजुर्ग MPA को कलमदान देकर भी इख्तियारात और फंड से महरूम करके अरबों रुपए वफाक को वापस कर दिए जाते हैं, जो इस पसमानदा सूबे खुद पार्टी के सीनियर साथियों, कारकुनों, वोटर्स और गरीब आवाम के साथ आमराना रवैये की तसलसल की एक और जिंदा मिसाल है। पार्टी में इंसानी हकूक, खसूसन ख्वातीन के हकूक की पामाली और हिरासियत। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सबसे अहम नुक्ते पर पहुंचने पर मैं आपको बताती चलूं कि मैं चूंकि ख़ुद ख़वातीन के बुनियादी हकूक के हवाले से कमोपेश 20 सालों से इस सूबे में और मुल्क की खिदमत कर रही हूं, मेरी बहनों के लिए मेरा जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस जज्बे की बदौलत मैंने अपने हज़ारों ख़वातीन कारकुनों और उनके घरानों के हमरा इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी कि शायद अब ख़वातीन के लिए अपने हकूक़ की जदोजहद आसान हो जाए, लेकिन अफसोस सद अफसोस पार्टी में दावों के बरक्स ख़वातीन को दूसरी पार्टियों के मुकाबले के बराबर भी इज्जत व मकाम नहीं मिला, जिसकी कई मिसालें मैं दे सकती हूँ, जिसमें सरे फहरस्त मेरे और मेरे साथियों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करके मुझे पार्टी से निकालने के बेबुनियाद खबर, जिसकी तरदीद बाद में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को ख़ुद करनी पड़ी। इसके बाद बग़ैर किसी दलील या मुशावरत के पार्टी दफ्तर के दरवाज़े पार्टी और आम तमाम ख़वातीन के लिए बंद करके ना सिर्फ ख़वातीन के बुनियादी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की गई, बल्कि अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान के दस्तखत शुदा तमाम मुआहिदों की भी धज्जियाँ उड़ा दी गईं। आईने पाकिस्तान और पार्टी आइन को भी पैरों तले रौंदा गया। ख़वातीन के लिए हमारे सूबे की कबायली, इखलाकी, समाजी रवायात को भी मसमार कर दिया गया, जिस पर मैंने पार्टी दफ्तर के सामने जमहूरी एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, हालांकि मेरा एहतजाज पुरअमन, जमहूरी और पार्टी की तमाम ख़वातीन के लिए था, लेकिन इस पर मुझे शोकाज नोटिस देकर चुप कराने की कोशिश की गई और आप सबको हंसी आएगी कि उस शोकाज नोटिस में लिखा गया कि आपके देवर जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी कायदीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जिस पे शोकाज जो है वो मुझे दिया गया और मुझे पार्टी से निकालने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए और मेरी तस्वीर पर सुख दायरे लगाकर मेरा सोशल मीडिया ट्रायल किया गया। मेरे खिलाफ पार्टी के कई सोशल मीडिया ग्रुप्स में तासुबाना पोस्टें लगवाई गईं, मुझे बराहे रास्त मिडिल क्लास होने के ताने भी दिए गए, जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। पार्टी में मेरी लाई हुई ख़वातीन को चंद हज़ार देकर मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई गई, जो सरासर हिरासियत के ज़मरे में आते हैं।
मैं इन सारे वाकयात को इसलिए अब रिकॉर्ड में ला रही हूँ क्योंकि मैंने पार्टी सदर सेक्रेटरी जनरल को मुतद बार बराए रास्त और एक तहरीरी दरख्वास्त भी जमा कराई ताकि वो बतौर पार्टी सदर और वजीर आला बलूचिस्तान इन तमाम वाकयात के पीछे छुपे अनासर को बेनकाब करें, क्योंकि ये बतौर पार्टी सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव बलूचिस्तान मेरी दादरसी करेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, उन साहिबान का तो आज तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं आया, जिससे हमें ये खदशा है कि इन वाकयात में इन साहिबान की मर्जी और मंशा शामिल थी, इसलिए उन्होंने कबायली अखलाकी समाजी रवायात की धज्जियाँ उड़ा दी और ना मेरी दादरसी की गई और ना ही पार्टी में ख्वातीन के लिए बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक के लिए कोई अमली इकदाम अब तक नज़र आए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने इन साजिशी अनासर के खिलाफ जंग जारी रखी हुई है और आज वक्त आने पर एक एक का नाम आपको बता भी दूंगी। मंदरजा बालाए वाकियात से आप तमाम हजरात बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवाम के नाम पर बनने वाली पार्टी में ख्वातीन की कितनी इज्जत अफजाई होती है। मेरे भाइयों, जमहूरियत में इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, हुस्न कहलाता है, और इस पार्टी के अंदर हमारी इस्तेदाद पार्टी आयन व मंशूर के तहत हमने हर मौके पर गैर जमहूरी इकदामात और रवैयों की निशानदेही की है। लेकिन जहां अना गालिब आ जाए तो फिर उसका इलाज नामुमकिन है। हमने बतौर समाजी कारकुन हमेशा अपने समाजी कबायली और अखलाकी इकदार की हिमायत की है। अपने पार्टी सदर को बतौर वजीर आला हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को झाड़ पिलाने की खबरों को हमेशा झूठ समझा, लेकिन बहुत से ऐसे काबिल अफसरान को बतौर OSD घरों में बैठने पर रंजीदा हो जाते हैं। और इस तरह की खबरों को सच मालूम होती हैं जो इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है। हमारे सूबे के काबिल सीनियर अफसरान दाद के मुस्तहक हैं जो सख्त सियासी और अवामी मसाइल के बावजूद अपने फ़राइज मनसबी बखूबी निभा रहे हैं। हम अपने तमाम अफसरान को सलाम पेश करते हैं और उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मेरे सहाफ़ी भाइयों, बजट सेशन से पहले के वाकयात चाहे वो जूते फेंकने के हों या अपोजिशन के मौजूद अरकान असम्बली के साथ दिलखराश वाकयात हों, सब काबिल मुजम्मत हैं। लेकिन अपोजिशन के अरकान खसूसन हमारी काबिल एहतराम बहन और खातून रुकन सूबाई असम्बली के खिलाफ FIR और 10 रोज़ से पुलिस स्टेशन में उनके बैठने से पता चलता है कि बाप पार्टी की मौजूदा हुकूमत का ख्वातीन के लिए इज्जत और एहतराम का क्या पैमाना है। ये वही बलूचिस्तान है जहाँ पे पश्तून बलोच माशरे में अगर कोई खातून किसी अपने दुश्मन के घर चली जाए तो वो जंग जो है वो ख़त्म कर दी जाती है। मेरे सहाफ़ी भाइयों, हमारी पार्टी सदर वजीर आला बलूचिस्तान जो अल्फाज के इस्तेमाल के इंतहाई माहिर हैं, उनका बजट से मुतालिक बयान पर हम ख्वातीन बहुत रंजीदा हैं। उनके इस बयान से हमारी हकीकी दिल आज़ारी हुई है, क्योंकि उनका ये बयान मौजूदा काबीना हमारी ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों पर बराए रास्त हमला है, क्योंकि अपनी कमज़ोरियों को दूसरों से मुंसलिक करने के हुनर उन्हें खूब आता है। उनकी वजाहतें हमेशा हमारे काबिल एहतराम इदारों पर इल्ज़ाम तराशी से पाक नहीं कर सकते, यानी उनकी अपनी कोताहियाँ जिम्मेदारियों का जवाबदेह हमारा कोई और इदारा कभी भी नहीं हो सकता। उनके इस बयान पर हम उसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। हमारे पास पार्टी उमूर से मुतालिक और भी जमहूरी और आइनी शिकायात गिले शिकवे हैं, लेकिन मैं और मेरे साथियों ने ये फैसला किया है कि जब तक बाप पार्टी के मौजूदा सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, हम बतौर एहतजाज पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारे बुजुर्ग कायदीन जब तक पार्टी के अंदर इस गैर जमहूरी काबीना और इसके सदर को हकीकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए हटा नहीं देते, हम पार्टी अमूर से लातालुकी का इजहार करते हैं, क्योंकि हम पार्टी के खुशनुमा मंशूर और सदर को देखकर पार्टी में शामिल हुए थे। अब मंशूर पर अमल तो कुजा, उसके खिलाफ इसी सदर के तमाम गैर आइनी इकदाम, पार्टी में मखसूस अजारादारी और गैर जमहूरी तौर तरीके, गैर जमहूरी रवायात, गैर जमहूरी फैसले पार्टी कारकुनान और सीनियर साथियों के लिए मुसलसल एहतसाल है। इनके साथ आमराना सलूक की तसलसल और पार्टी में इंसानी खसूसी ख्वातीन के हकूक की पामाली और हिरासियत पर एहतजाजन पार्टी से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चूँकि हमने पार्टी के गैर जमहूरी अमूर कम इंफॉर्मेशन दी, इस हवाले से हमें या हमारे ख़ानदान को किसी किस्म की कोई परेशानी या नुकसान हुआ तो उसके बराए रास्त जिम्मेदार जाम कमाल होंगे।
हम जानते हैं कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी आमरियत या उनकी मरात याफ्ता चमचों की टीम सरकारी खर्चे पर दोबारा हमारी सोशल मीडिया ट्रायल शुरू करेंगे, जिसके जिम्मेदार भी जाम कमाल होंगे, क्योंकि इस सोशल मीडिया ग्रुप्स के एडमिन खुद पार्टी सदर जाम कमाल हैं। इस हवाले से अनकरीब हम उनके हुकूमत और पार्टी के अवाम और ख्वातीन दुश्मन इकदाम के हवाले से आला अदलिया से भी रुजू करेंगे। बहुत शुक्रिया। भाई, मैंने कभी भी बलूचिस्तान की खिदमत ओहदे या पोजीशंस के लिए नहीं की है, आप साफ़ी हजरात मुझसे ज़्यादा जानते हैं। 3 साल तक मेरा जमहूरी हक था कि मैं पार्टी के अंदर रहकर अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करूं। मैं कोई आम खातून नहीं हूं जो घर से उठ के आई हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शऊर रखती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईने पाकिस्तान को जानती हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में आने से पहले मैंने आईन पढ़ा था और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी जो होती रही मैं मुसलसल, मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, मेरे जितने लेटर्स जो मैं अपने कायदीन को और अपने प्रेजिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को लिखती रही हूँ। आपने देखा होगा हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आजमा चुके हैं। जब हमें मुल्क और कौम और वतन की बात आती है, उसकी खिदमत की बात आती है, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटते। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रो पाकिस्तानी की हैसियत से हमें इसमें उम्मीद की किरण नज़र आई कि शायद नई पार्टी है, बलूचिस्तान की पार्टी है, इसका हेड ऑफिस बलूचिस्तान में होगा, इसके लोग यहाँ से होंगे तो वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए खिदमत करेंगे। मगर अफसोस के आज हम आपके सामने जो है वो शायद इसको डिफेंड ना कर पाए। भाई मेरी जब शमूलियत हो रही थी तो प्रेस क्लब का ये पूरा हॉल भरा हुआ था, वो शायद यही हॉल पूरा जो है भरा हुआ था। जो घर से एक एक खातून आई थी तो वो तमाम खवातीन अपनी फैमिलीज के साथ जाएंगी और अनकरीब जो है वो हम एक नए सियासी फैसले के साथ और आप लोगों की मुशावरत के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा से हाजिर होंगे प्रेस क्लब। जी बिल्कुल, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि शुरू से सियासी तमाम जो यहाँ पे चीज़ें रहीं, आप लोग सहाफ़ी हजरात मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ख़वातीन को वर्कर की हैसियत से उनका इस्तेसाल जो है हमेशा होता रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। अब क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है, अब क्योंकि लोग जो है वो चीज़ों को जानना शुरू हो गए हैं, अब ख़वातीन अपने राइट्स के लिए मेरा ख्याल से लड़ सकती हैं कि वो आज प्रेस क्लब तक पहुंच जाती हैं। आप उसको इसका तसलसल समझें या उस जदोजहद का एक नुक्ता समझें। ख़वातीन की जदोजहद जहाँ जहाँ रहेगी मैं उसका साथ देती रहूँगी। हालिया जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि उड़न तश्तरी में ख़वातीन, इनकी पसंदीदा ख़वातीन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की कहां कहां से आईं। और जहां तक आपने लॉ की बात की, डेफिनेटली मैं भी एक स्टूडेंट की हैसियत से हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट बिल्कुल नहीं हूं, मगर एक तालीम याफ्ता होने की हैसियत से मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने पाकिस्तान के आइन को, दस्तूर को पढ़ूँ और उसको सीखूँ और उसके मुताबिक जो है मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो रूल्स के अंदर गुजारूँ।